हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर मैं लगाने वाली थी फेस पैक, और जैसे कि आपको पता है कि मैं कोई भी फेस पैक अगर लगाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगाने वाली थी एक फेस पैक, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फेस पैक है, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने ली है एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी, ये ओरिजेंस की मुल्तानी मिट्टी है। और फिर मैंने ली है ये रोज़ पेटल पाउडर, ये एक चम्मच से थोड़ी सी कम ली है, तो ये भी ओरिजेंस की ली है क्योंकि इनके प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये प्योर होते हैं, 100% प्योर होते हैं और नेचुरल होते हैं, तो इसी वजह से इनके प्रोडक्ट ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। अभी इसका पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करना है हमें, और बस इसका पेस्ट बना लेना है, और ये फेस पैक जो है वो रेडी है। यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया है, और उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये फेस पैक। तो इसका रिजल्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इससे ना अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपका जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव करता है, आपके ये पिंपल्स को आने से रोकता है, और उसके बाद अगर आपका सनबर्न या सन टैन हुआ है तो उसे भी ये रिमूव करता है। अगर आपके स्किन पर रिंकल्स है तो ये कम करता है, और अगर आपके स्किन पर पिंपल्स है तो उसे भी ये कम करता है, और अगर आपकी स्किन अनइवन है, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा धब्बे है, उसे भी ये लाइट करने में हेल्प करता है, और आपका स्किन टोन भी लाइट, मतलब आपको ये गोरा भी बनाता है। साथ साथ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, लूज हो चुकी है, तो उसे भी ये टाइट करता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फेस पैक है, तो आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। और अगर आपको ये प्रोडक्ट्स परचेस करने हैं तो इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और बहुत लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता होता है, तो बहुत लोग पूछते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है। जब आप मेरे टाइटल पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए, अभी फेस पैक तो अप्लाई हो गया है, तो इसके बाद अभी ड्राई होने तक इसके वेट करूँगी, और उसके बाद ये रिमूव करूँगी। और रिमूव करने के टाइम ना आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करके रिमूव कर लेना है इसे, उसके बाद आपको फेस वॉश कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपका जो स्क्रब का काम है वो भी ये करेगा, उससे आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत अच्छी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आप लोग सोचते होंगे कि यही से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि यही मैं रेडी होती हूँ नहाने के बाद, और मैं सोचती हूँ कि चलो यहाँ पर ही आप लोगों से बात कर लूँ, फिर किचन में जाती हूँ तो किचन में सारे काम होते हैं, तो पहले शुरुआत यही से होती है बेडरूम से, तो इसीलिए आप लोगों से यहीं पर बात करती हूँ। और हाँ, आज है संडे, तो ये आ गया है अद्विक। अद्विक बैठ जाओ बेटा, मुझे बात करनी है, दो मिनट बैठ जाओ। तो आज संडे है, अभी भी मैंने नहा लिया है, इनको जाना है ड्यूटी, तो इसीलिए जल्दी से मुझे खाना बनाना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि संडे है फिर भी ड्यूटी क्यों जाना है, तो आप लोगों को तो पता ही है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं इन्हें संडे मंडे कोई होता नहीं है, इनकी ड्यूटी हर दिन होती है सेम ही। फिर भी आज थोड़ा सा लेट जाना है, दोपहर में जाना है, तो मुझे टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा खाना वगैरह बनाने में, तो हम लोग लंच वगैरह कर लेंगे, उसके बाद ये ड्यूटी जाएंगे। और आज संडे है, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के संडे भी ऐसे ही जा रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन में कहाँ के संडे और कहाँ का क्या। और हाँ, हमारे यहाँ पे ना सैटरडे संडे बंद कर दे रहे हैं सब, तो इसीलिए सैटरडे संडे पूरा बंद रह रहा है, और फिर मंडे को खुल रहा है। और सॉरी, दो तीन दिनों से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, और कल नागपंचमी भी थी, तो मैंने सोचा था कि कल मैं नागपंचमी का अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि थोड़े से प्रॉब्लम, मतलब जो हमारे लेडीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब हर महीने के वही, तो उसकी वजह से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई कल। इसी वजह से मैंने दो दिन रेस्ट ही की, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी वेट करते हो ब्लॉग का, और फिर मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को पता ही है कि मुझे आदत हो गई है आप लोगों से बात करने की, तो इसीलिए ना, मतलब जब भी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार कुछ तो भी मिसिंग है, इसीलिए फिर एक दिन रेस्ट करती हूँ, दो दिन रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर याद आ ही जाती है आप लोगों की। और आप लोग भी इतना ज़्यादा मिस करते हो, इंस्टा पे मैसेज करते हो, कमेंट में पूछते हो, इसी वजह से मुझे ना ऐसा होता है कि यार नहीं जल्दी से आपसे बात करती हूँ। तो और आप लोगों को ये वाला लिपशेट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। बहुत से लोगों ने इसका लिंक मांगा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपके लिए मिल जाएगा, जो मैंने लिपशेट अभी करंटली परचेस किया है वही वाला है ये, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और मेरा तो फेवरेट है ही। और ये वाली जो मैंने नेल पॉलिश ऑर्डर की थी वो मैंने कल अप्लाई की थी, कल नहीं परसों अप्लाई की थी, तो परसों ये अप्लाई की थी, अभी थोड़ी सी निकल गई है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, पानी में हाथ डालना होता है बार बार, तो इसीलिए ये निकल गई। इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग लास्ट करेगी,
क्योंकि देखिए परसों ही लगाई है मैंने और निकल गई है। उससे अच्छा ना मुझे ना अभी तक की ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पसंद आने वाली है वो स्प्लैश वाली फेसेस कैनेडा की जो नेल पॉलिश आती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करती है। मतलब मुझे इतने काम होता है फिर भी मेरे नेल्स के ऊपर अगर लॉन्ग लास्ट करती है तो जिनको काम नहीं होते हैं ज़्यादा उनके ऊपर तो लॉन्ग लास्ट करेगी। और मुझे ना एक एलेटिन की भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करती है, एलेटिन वाली भी बहुत अच्छी है और जो स्प्लैश वाली है फेसेस कैनेडा की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोग अगर परचेस करना चाहते हो, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग वाली चाहिए तो आप वो वाली परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी है वो। ये शेड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, मुझे शेड काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आपको बता दूँ, ये जो नेल पॉलिश मैंने अभी अप्लाई की है वो बेला वॉस्टी की नेल पॉलिश है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर लग रहा है मुझे। अगर इसका भी लिंक चाहिए हो आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपके लिए, दे दूंगी मैं, जिनको परचेस करना हो तो परचेस कर सकते हो, बट ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करेगी मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। और चलिए अभी जाती हूँ किचन में, जल्दी से खाना बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज बस अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लंच किया है और ये चले गए हैं ड्यूटी। तो बच्चे यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट करो क्योंकि आज ना ट्रॉली वगैरह ऊपर से क्लीन किया है इसीलिए थोड़ी सी थकावट लग रही है और ऐसे इसमें थोड़ी सी थकावट हो भी जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करते हैं, बच्चों के साथ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद शाम को उठूँगी आपसे मिलूँगी। और आज सोच रही हूँ कि आपके डिमांड पूरी करूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ज्वेलरी कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँ, ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूँ। तो मैंने सोचा चलो आज फाइनली ज्वेलरी जो है वो आपको दिखा देती हूँ। एक दिन मैं आपको मेकअप दिखा दूँगी क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट तो करते हो यार, कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर मैं वीडियो बनाती हूँ कुछ देखती ही नहीं है। तो सबके मतलब ये होता है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट मानूँ या ना मानूँ, मतलब कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है देखने में और कुछ लोगों को नहीं होता है, तो फिर आप लोग देखते ही नहीं हो। इसलिए अगर आपकी डिमांड पे वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि सब लोगों ने देखना चाहिए वीडियो। जैसे कि मैंने स्किन केयर का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था तो स्किन केयर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के लिए, बट काफ़ी कम लोगों ने देखा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, मैंने स्किन केयर रूटीन कल ही आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो जल्दी से जाके देख लीजिए आपके लिए हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, वो ऑयली स्किन के लिए ही सिर्फ नहीं है क्योंकि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ करती हूँ कि वो सारे प्रोडक्ट आप कोई भी स्किन टाइप वाले हो तो यूज़ कर सकते हो। ऑयली स्किन वालों के लिए तो अच्छा है ही, बट ड्राई स्किन वाले भी उसे यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन स्किन वाले तो ऑयली स्किन वालों का यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये सारे स्किन टाइप वालों के लिए सूट करने वाला स्किन केयर रूटीन है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। आज मैं आपके साथ ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, काफ़ी दिनों उसकी आपकी रिक्वेस्ट थी तो आज मैंने सोचा चलो पूरी कर ही देती हूँ। एक्चुअली अद्विक ने हमारे साथ खाना नहीं खाया था तो उसने जिद पकड़ के रखी थी, उसकी दीदी के हाथों से ही खाना है उसे, इसीलिए माही उसे खिला रही थी, उसका हमेशा का ही ऐसा ही होता है। और हाँ, मैंने आपके साथ आज का जो लंच बना था वो शेयर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, और बहुत ज़्यादा सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी आलू बैंगन की, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो सब्ज़ी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज शेयर नहीं करती हूँ। सिंपल सा लंच बना था, वही आलू बैंगन की सब्ज़ी बनी थी, दाल बनी थी, रोटी और बूंदी का रायता बना था, यही सिंपल सा लंच था आज का, तो इसीलिए शेयर नहीं किया। बस अभी माही अद्विक को खिला देगी, उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे और शाम को मिलती हूँ डायरेक्टली आपसे। अब तो गाइज ऑयली फेस को इग्नोर करना, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मेरा ज्वेलरी कलेक्शन आज दिखाने वाली हूँ, काफ़ी दिनों से आपकी रिक्वेस्ट थी कि ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने के लिए, मैंने सोचा चलो आज दिखाई देती हूँ फाइनली। बहुत मेहनत लगती है यार इतना सारा सजाने के लिए, मैंने पूरा ढूंढ ढूंढ के निकाला, ये सारा सजा दिया यहाँ पे, और मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, बहुत टाइम लगेगा, फिर भी अभी आपको देखना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। और देख लीजिए अभी मैंने यहाँ पर निकाल के रखी है सारी ज्वेलरी, मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने सारे निकाल के रखी है, अभी इससे भी ज़्यादा है लगता है मेरे पास, बट ना मतलब मैंने कहाँ रख दी अभी याद नहीं आ रही है ये वो सारी। इस वाले वार्डरोब में जितनी मुझे दिखी उतनी मैंने निकाल ली, उतनी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे कहीं कहीं रख देती हूँ मैं यार, कभी निकालती हूँ ना तो कहीं कुछ ऐसे रख देती हूँ। ईयरिंग्स तो बहुत सारे कहीं कहीं रखे हैं, बट जो मेन ज्वेलरी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन सा खजाना है, और आप भी देख लीजिए आज।
तो ये सारी ज्वेलरी मैंने यहाँ पर निकाल के रखी है, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। पहले ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी दिखाऊंगी सिल्वर कलर की, फिर बाकी के सारे जो नेकलेस सेट है और सारी चीज़ें फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये सारी ज्वेलरी है मेरे पास, तो चलिए फिर एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको फिर ज़्यादा बोर ना हो। तो कुछ ये है मेरे पास सिल्वर कलर की ज्वेलरी, जो सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। तो ये है एक रिंग, और फिर ये एक दूसरी रिंग है, इसमें स्टोन्स है, ये इयररिंग्स है, मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत लाइट वेट है। ये तो इयररिंग्स आपने देख ही लिए हैं, फिर ये इयररिंग्स है, फिर ये दो नेक पीस है, फिर ये वाले इयररिंग्स है, और ये हो गई सिल्वर ज्वेलरी। फिर ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला सेट है मेरे पास एक, तो ये सेट नेकलेस सेट है, इसमें ना कुंदन्स है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कुंदन। तो ये वाला सेट है, ये आपने देख लिया है, एक्चुअली मैंने इसका रिव्यू किया था मास्टर लाइन टिप्स पे, किसी ने देखा होगा किसी ने नहीं देखा हो, ये जवेरील पर्ल की तरफ से है। और फिर ये सुखी ब्रांड से नेकलेस है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है अभी, बट मैंने काफ़ी पहना हुआ भी है ये, तो ये है। फिर ये इसमें है कुछ ज्वेलरी, ये एक्चुअली इयररिंग्स से, तो मैंने इसको तोड़ के ये मांगटिका बनाया था, ये पिछली बार क्या बोलते हैं इसमें गई थी तब बनाया था गरबा में। और फिर ये एक नेकलेस है, ऐसे ही नेक पीस है वो लॉन्ग वाला। फिर ये एक इयररिंग्स है, और ये भी इयररिंग्स है, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं इयररिंग्स पहनने के बाद, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और लाइट वेट है ये, इसके है वुडन के तो इसीलिए लाइट वेट है, और ये बहुत ज़्यादा वेटेड है यार, इसमें से स्टोन नहीं, ये बहुत ज़्यादा वेटेड है, ये अच्छे लगते हैं, ये गोल्डन कलर के ये है। फिर ये एक फिंगर रिंग है, बट इसमें से नीचे का ये निकल गया, बट ये मुझे जोड़ना पड़ेगा इसे। फिर ये कुछ इस तरह से इयररिंग्स हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, ये इस तरह से हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। फिर ये इयररिंग्स है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये इसका निकल गया है। फिर ये वाली इयररिंग्स है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है इसीलिए काफ़ी प्यारे लगते हैं ये भी। तो ये इयररिंग्स हैं, फिर ये है येलो कलर के इयररिंग, ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ किस तरह से, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। फिर ये छोटे छोटे इयररिंग्स हैं, ये तो काफ़ी छोटे छोटे हैं बट बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये इस तरह से है येलो कलर के, ये काफ़ी प्यारे लगते हैं पहनने के बाद। फिर ये छोटे छोटे तो आपने देख ही लिए, और फिर ये एक नेक पीस है ग्रे कलर का, ये भी मैंने आपको मीशो हॉल में दिखाया है आई थिंक। फिर ये है मेरे पास एक पिटारा, इसमें काफ़ी सारे आइटम हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये इसमें एक नेक पीस है, एक साड़ी पिन है, फिर इसमें बाजू बंद भी है, और ये वाला नेक पीस भी है। तो ये आप लोगों ने देखा हुआ है, ये है एक पिटारा, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला, तो ये मैं अलग से ही रखती हूँ, इसे बहुत संभाल के रखती हूँ। और फिर ये वाले एक इयररिंग्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर ये है एक नेक पीस, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको इस तरह से दिखाती हूँ, ये है, ये भी मैंने दिखाया हुआ है आपको मीशो हॉल में। फिर ये वाले इयररिंग्स का पिटारा है, ये सिल्वर इयररिंग्स हैं, मतलब हुप्स हैं। फिर ये वाले इयररिंग्स हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के हैं, इसमें एक ये है, एक फिंगर रिंग है ये इसमें, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे इयररिंग। तो ये है, आपको ओपन करके दिखाती हूँ मैं, ये वाले बहुत प्यारे हैं। और फिर बाकी ऐसे ही पिटारा है इसमें, तो ये कुछ इस तरह से इयररिंग्स हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं ये। और फिर ये भी उसी टाइप में है बट गोल्डन कलर में है, ग्रीन कलर के हैं,
थोड़ा सा ओपन करने में ना, एक हाथ से ओपन करने में टाइम लग रहा है। ये है कुछ इस तरह से, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं पहनने के बाद। और फिर ये है एक, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। ये भी उसी टाइप में है, ये कुछ इस तरह से है। ये आप कोई गाउन वगैरह पे पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, ब्लैक कलर में है। और फिर इसमें है एक, और ये वाले हैं ये ईयरिंग्स है। ईयरिंग्स तो बहुत सारे हैं मेरे पास, बट कहाँ रखे हैं वो नहीं पता। ये एक नेक पीस है, ये भी एक नेक पीस है, ये बहुत पुराना हो चुका है। ये एक फिंगर रिंग है, ये भी आपने देख ही ली है अभी, राखी मेकअप लुक में मैंने पहनी थी वो वाली। और फिर ये एक नेक पीस है ग्रीन कलर का, ये भी मीशो हॉल में मैंने दिखाया था आपको। फिर ये एक रानी हार है, वो भी मैंने मीशो हॉल में दिखाया हुआ है आपको। और फिर ये भी एक नेक पीस है, ये भी मीशो हॉल में देखा है आपने। अगर मीशो ज्वेलरी हॉल आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, उसमें मैंने पूरी डिटेल में ज्वेलरी शेयर की है। और फिर ये एक ईयरिंग्स का सेट है, ये दो का, तो ये है, ये जवेरी पर्ल की तरफ से है, लॉन्ग ईयरिंग्स है। और फिर ये भी मैंने मीशो से ही परचेस किया था, ये ब्रॉच है ब्लाउज को लगाने वाला, तो ये भी मैंने मीशो हॉल में आपके साथ शेयर किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों के लिए लिंक मैं मीशो हॉल का दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। तो फिर ये एक नेक पीस है, उसके ये ईयरिंग्स है, ये भी आपने देखे हुए हैं। फिर ये है एक कमर बेल्ट है इसमें, ये तो ये टू लाइन का कमर बेल्ट है, तो इसमें ये इतने ही हैं। फिर ये वाला दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें कुछ गोल्ड का भी रख दिया है आई थिंक मैंने, ये आपने देखा है आई थिंक। ये एक मिनट ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें एक ये फिंगर रिंग है, फिर ये एक बाजू बंद है कुछ इस तरह से, फिर ये सिंगल लाइन वाला ये है कमर बेल्ट है। फिर ये तो आपने देखा हुआ है, ये रानी हार, साउथ इंडियन वाला सेट है ये पूरा। और ये भी एक साउथ इंडियन सेट ही है, ये कुछ इस तरह से एक साउथ इंडियन सेट है। ये मुझे एक भैरवी कलेक्शन करके इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजा था, तो ये वाला है। और फिर ये एक नेक पीस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये, थोड़ा सा ना इसे नींबू से घस लिया ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है बाद में, तो इसलिए ये ना अभी ऐसा दिख रहा है, रखे रखे वो वैसा हो गया है। जब मैं पहनती हूँ ना तो थोड़ा सा घस लेती हूँ नींबू से। और फिर ये एक ईयरिंग्स है इसमें, कुछ इस तरह से है ये ईयरिंग, ये कुछ इस तरह से ईयरिंग्स है इसमें। ये एक नेक पीस है इस तरह से, ये वाले ईयरिंग्स हैं। और फिर जो ये पोटली में थे वो ये वाले ईयरिंग्स हैं। कुछ इस तरह से मेरे पास ये कलेक्शन है ज्वेलरी का, तो मैं आपको दिखाते दिखाते थक गई यार, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन आ जाता है मुझे, अभी रखने का टेंशन आएगा। तो चलिए, आई होप आपको ये मेरा ज्वेलरी कलेक्शन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए थोड़ी सी। पता नहीं हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी आपको, बट थोड़ा सा पसंद तो आया ही होगा। इतना लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो आप लोग, डेली मैं आपको लाइक करने के लिए बोलती हूँ और आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो लाइक करने में, तो लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार कुछ भी दिखाने के लिए, और दिखाने के बाद फिर रखने के लिए, पहले तो अरेंज करने के लिए, उसके बाद फिर दिखाओ, फिर उसके बाद रखो,
तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।